ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत माता चरण रज मेरे सिर को ताज, मात सारते बुद्ध दे ते सब भक्त के काज। ब्रह्मा विष्णु महेश सब कृपा करो, महावीर कर दो कृपा निज दास पर, विजयी हो शिवबीर। अंजनी के ललन दुष्ट दानव दलन रक्षा कीजे, तरस हमको पवन पुत्र दीजे। अंजनी के ललन सर कर दिखाया, सूर्य को तुमने मुख में दबाया। मुद्रिका प्रभु चले आप लंका, चले पल में छीजे, तरस हमको पवन पुत्र दीजे। सीता सावित्री जैसी पवित्र पावन भूमि पर पलने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, भारत देश के करमवीर करुणाधान नन्हे मुन्ने बच्चे एवं नौजवान साथियों व पिता तुल्य बुजुर्गों, आज हम त्याग मूर्ति परम तेजस्वी स्वर्गीय श्री द्वारकादास जी के प्रिय पुत्र
श्री शिवबीर सिंह उर्फ कल्लू भैया ग्राम गुबरिया मौजा अगूपुर गोपालपुर का पावन संदेश ये गुलशन कैसर चौपला के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, जिनका इतिहास जो कि हमारे लेखक गुलशन कैसेट एडिटर एंड चीफ गुलशन जी ने किया है, जो कि आपके मौजा अगूपुर गोपालपुर में दो बार प्रधान पद पर रहकर यानी दस वर्ष तक आपके मौजा अगूपुर गोपालपुर में भारी विकास किया। इस वर्ष 2021 के प्रधानी के चुनाव में समस्त मौजा अगूपुर गोपालपुर की जनता ने अपना परम हितैषी कर्मवीर कर्मठ न्यायप्रिय कर्तव्य पारायण धर्मनिष्ठ ईमानदार श्री शिवबीर सिंह उर्फ कल्लू भैया को फिर चुनाव क्षेत्र के मैदान में खड़ा कर दिया है। इसलिए आप सभी मतदाताओं से माताओं से बहनों से बुजुर्गों से बच्चों से हाथ जोड़ करके कल्लू भैया के द्वारा आपके पैर छू करके ये निवेदन है कि आप लोग अपना अमूल्य वोट दे करके भारी से भारी पुनः फिर से एक बार इस बार मौका दें और भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाएं। ध्यान रखना भाइयों, समस्त मौजा की जनता से माताओं से बहनों से बेटियों से बुजुर्गों से बच्चों से ये निवेदन है, कल्लू भैया का हाथ जोड़ करके ये कहना है, क्या सुनिए, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, देखिए हमारे शिवबीर सिंह उर्फ कल्लू भैया की भावनाओं को समझिए मतदाताओं, एक एक शब्द को आप लोग ध्यान से सुने, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे मौजा अगूपुर गोपालपुर की मौजा से माताओं से बहनों से निवेदन है, कितनी प्यारी भावना है इनकी, हार भी तुम्हारे हाथों में है ए मतदाताओं, हार भी तुम्हारे हाथों में है और जीत भी तुम्हारे ही हाथों में है, इसलिए मेरा निश्चय बस एक यही, इस बार हमें मौका देना, एक बार सिर्फ एक बार इस बार आप लोग मौका अवश्य दें, मेरा निश्चय बस एक यही, इस बार हमें मौका देना, अर्पण कर दूं इस जीवन का सब प्यार तुम्हारे चरणों में, मौजा में रहे तो ऐसे रहे कैसे, मौजा में रहे तो ऐसे रहे जो जल में कमल का फूल रहे, और मेरे सब कर्म, क्या प्यारी भावना है शिविर उर्फ कल्लू भैया की, मेरे सब कर्म
समर्पित हो ये सवार तुम्हारे चरणों में, बहुत सुंदर। इस बार हमें अवसर देना, सबके चरणों का दास बनूं। इस बार हाथ जोड़ करके बार बार पैर छू करके बार बार ये निवेदन है क्या, इस बार हमें मौका देना सबके चरणों का दास बनूं। कल्लू भैया की रग रग का हो तार तुम्हारे चरणों में, जब जब मौजा दास बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब मौजा का दास बनूं और निष्काम भाव से कर्म करूं, और किया है इन्होंने, आगे बताऊंगा आपको। लिखा है हमारे गुलशन जी ने, जब जब मौजा का दास बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजू नर नार तुम्हारे चरणों में। माताएं बहने बेटियां बुजुर्ग बच्चे ध्यान दें, हमारे नौजवान क्या भावना है कल्लू भैया की, मुझ में तुम में कोई भेद नहीं, हम तो सब भांति तुम्हारे, हम तो सब भांति तुम्हारे, तुम्हारे तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहेंगे, याद रहे। मुझ में तुम में कोई भेद नहीं, हम तो सब भांति तुम्हारे हैं। कल्लू चरणों में विनय करे अब लाज तुम्हारे हाथों में, कल्लू चरणों में चरणों में विनय करे अब लाज तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, याद रखना भाइयों। समस्त मौजा अगूपुर गोपालपुर की जनता से शिवबीर उर्फ कल्लू भैया का हाथ जोड़ करके निवेदन है,
पैर छू करके निवेदन है कि आप लोगों ने दो बार मौका दिया, इस बार आप भूल नहीं जाएं। और दोस्तों एक बात और बता दूं, दो शब्दों में मैं इनका परिचय दे रहा हूं, और इन्होंने प्रधान पद पर रहकर कितने कितने विकास के कार्य किए, सुनिए। आरे ग्राम गुबरिया खास अगूपुर पास बड़ो सुखदाई, श्री द्वारका दास जा जन्मे हैं सब लोग रहित हरसाई। देखिए दो शब्दों में इनका परिचय है, उसके बाद हम बताएंगे कि इन्होंने प्रधान पद पर रहकर कितने कितने विकास किए। लोगों ए सुंदर रूप अनूप खिली मन धूप छटायत प्यारी छटायत। और कटोरी देवी मैया के या फूली है फुलबारी, कटोरी देवी मैया के या फूली है फुलबारी। और जम्बूदीप और भरत खंड में सुंदर जिलाई पावन धरती है भारत की तीरई बही यमुना की धार। और ज्ञान गुबरिया निकट चौपुला सुंदर भूमि रही दर्शाय, ग्राम गुबरिया निकट चौपुला सुंदर भूमि रही दर्शाय। और सुर सर पावन पावन सावन सुर नर मोहि मोहि रह जाए। तारी कल्लू भैया चार भाई बोली जनता के तारी कल्लू भैया चार भाई। याद रखना भाइयों, चौपला के पास ग्राम गुबरिया में सुंदर शुभ मुहूर्त में श्री स्वामी द्वारकादास महाराज का जन्म हुआ और उनके तीन पुत्र हुए जिनके नाम हैं श्री जगदीश सिंह यादव और श्री सुखबीर सिंह यादव, और सबसे छोटे हैं शिवबीर सिंह जिन्हें आप प्यार से कल्लू भैया कहते हो। क्या कहते हो? कल्लू भैया। और शिवबीर सिंह उर्फ कल्लू भैया ने लगातार सन 2000 से लेकर के 2005 तक शिवबीर भैया उर्फ कल्लू भैया ने आपके मौजा में भारी विकास किया प्रधान पद पर रहकर। और उसके बाद 2010 से लेकर के 2015 तक इनकी धर्म पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी प्रधान पद पर रह करके भारी विकास किया। तो ध्यान दीजिए इन्होंने कितने कितने मौजा में विकास किए, दो शब्दों में बता रहा हूं आपको भाइयों, एक एक शब्द आप लोग ध्यान से सुनेंगे। याद रहे कि मौजा में विकास कराए नल द्वार द्वार लगवाए,
कार्य हमारे शिवबीर सिंह उर्फ कल्लू भैया ने किए, और उसके बाद इनकी धर्म पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी ने कितने कितने विकास के कार्य किए हैं, याद रहे। मौजा में विकास कराए नल द्वार द्वार लगवाए, अरे मोर तिरा है चोर है नब्बे लाइट मर करी है सही एक एक शब्द को आप लोग ध्यान से सुने। अरे द्वारे द्वारे नल लग पाए गए सुंदर ताल दए दे बनवाई, पहले आप लोग जब निकलते थे गलियों से होकर के जाते थे गिर जाते थे क्योंकि दलदल कीचड़ होता था 2000 सन 2000 से पहले, लेकिन जिस समय सन 2000 में भारी मतों से सम्मानित श्री शिववीर सिंह यादव कल्लू भैया विजयी हुए तो इन्होंने कितने कितने विकास के कार्य किए लोगों। दल दल की चढ़ देख रहा में शीशी रो रहा बनवाई, भारी विकास है करो मौजा में कीरत रही अज क्षेत्र में छाई, मतदाताओं अपना कीमती वोट अन्यत्र मत ले जाएं, किसी के बहकावे में मत आ जाएं, हाथ जोड़ करके पैर छू करके निवेदन है कि अपना बहुमूल्य वोट कल्लू भैया को ही दें, और भारी से भारी पहले की तरह जितना पहले आप लोगों ने स्नेह दिया दुलार दिया वही प्यार वही स्नेह वही आशीर्वाद आज आपका चाहिए। अरे जनता कभी दुखी न राखी हरदम बने तेज शीश की ढाल, याद रखना जाए मुसीबत है जैसी पड़ गई कर दो इंतजाम तत्काल, अपने प्रधान काल के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या नहीं किया लोगों, सब कुछ तो किया है। अरे कोई बीमार हो तो मौजा में फौरन पहुंचाओ तो अस्पताल, पैसा एक लाओ तो नहीं उनसे डीजल खुद डलवाए दो हाल, ऐसा एक लो तो नहीं उनसे डीजल खुद डलवाओ तो हाल, और देखिए आज भी हमारे शिवबीर उर्फ कल्लू भैया का यह नियम है क्या, अरे टीका लगू न जाए मौजा से वाहन से हो तैयार, अगर किसी बहन का टीका लगन जाता है तो स्वयं अपने वाहन से तैयार होते हैं गुलशन, ऐसे न्यायप्रिय
प्रत्याशी कर्मठ कर्मवीर प्रधान कोई अपना प्रधान बनाए। अरे टीका लगुना जाय मोजा से पहन से हो तैयार और सुंदर करनी लख कल्लू की क्षेत्र में हुई रही थी जय जयकार ऊंच नीच को भेद न माने सबको अपने गले लगाए प्रथा पेंसिल विधवा पेंसिल विकलांग पेंसिल दैसी बनवाए घर विहीन थे जो मौजा में सब कालोनी दैसी गाय भूमि विहीन थे जो मौजा में उनके पट्टा दैत कराए बेरोजगार जो थो मौजा में बेरोजगार जो थे मौजा में काम न रेगा को दो पकराए तन मन धन जनता पे हर पड़ सेवा करता खूब हर साय तन मन धन जनता पे हर पड़ सेवा करता खूब हर साय सभी मतदाताओं से निवेदन है जिन्होंने 10 वर्ष तक प्रधान पद पर रह करके 2000 से लेकर के लगातार 2005 तक आपके मौजा में भारी विकास किया उसके बाद 2010 से लेकर के और 2015 तक जब महिला सीट आई तो इनकी धर्म पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी ने आपके मौजा अगुपुर गोपालपुर में भारी विकास किया लोगों आपके मौजा अगुपुर गोपालपुर में भारी विकास किया तो याद रहे कितने सुंदर काम महान करे सब रहे बताई है कितने सुंदर काम महान करे हम रहे बताई विकास करे रहे हम तुम्हें बताइए याद रखना मेरे प्रिय मतदाताओं समस्त मौजा की माताएं बहनें बेटियां बुजुर्ग बच्चे नौजवान समस्त मतदाताओं से हाथ जोड़ करके पैर छू करके निवेदन है कि आपके मौजा में लगातार 2 बार प्रधान पद पर रह करके कितने कितने विकास के कार्य किए हैं ऐसे कर्मवीर कर्मठ न्याय प्रिय कर्तव्य पारायण जुझारू प्रत्याशी श्री शिवीर कुमार उर्फ कल्लू भैया को ही अपना प्रधान चुने और एक बात और बता दूं आपको ए मतदाताओं ध्यान दीजिए अरे कल्लू चुनाव पे खड़े हैं और सेवा करेंगे सारे क्षेत्र की कल्लू बहुत अच्छे मतदाताओं इनके कार्यकलापों को कहां तक बताएं हम इन्होंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए अपना जीवन ने उछावर कर दिया लोगों अरे कल्लू चुनाव पे खड़े हैं सेवा करेंगे सारे क्षेत्र की धन्य धन्य है कल्लू भाई
सब करे सेवा करने सारे क्षेत्र की सुंदर विशेषता बता दें, बहुत सुंदर एक विशेषता है इनकी, क्या सुनिए। अरे करनी कथनी में नहीं अंतर है बहादुर रवि का, बहुत सुंदर। करनी कथनी में नहीं अंतर है बहादुर रवि का, कोई अंतर नहीं है। ये जो कहते हैं वही करते हैं, और लिखा भी है, कहते हैं करते नहीं वो भी बड़े लबार, कहते हैं करते नहीं वो भी बड़े लबार, और काले मुखड़े होंगे सो मालिक के दरबार। याद रहे माला फूलन की, माला फूलन की रामा फूलन की भैया फूलन की, सभी मतदाताओं से
माताओं से, बहनों से, बेटियों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, नौजवानों से हाथ जोड़ करके ये हमारे कल्लू भैया की तरफ से निवेदन है, आपके पैर छू करके, ये जन जन के पैर छू करके निवेदन है कि आप लोग इस बार मौका अवश्य दें, इस बार मौका अवश्य दीजिए। याद रखना, जैसा कहा है वैसा ही करेंगे, इसमें एक भी वादा झूठा नहीं है लोगों। और बता दूं आपको, कहां तक बताऊं बेटा गुलशन, आज कल्लू भैया की ओ पंचो अब सेवा करने की बारी है, दीनन के दुख मिटे बे को पहले से सेवा जारी है। ए क्षेत्र के मतदाताओं, ये मैं सोच लेना दिलो दिमाग में, ये बात मत लाना, ये बात मत लाना दिलो दिमाग में कि ये प्रधान पद के उम्मीदवार हैं इसलिए इस तरह के वादे करते हैं, ना ना ना। आप लोग पिछला इतिहास, पिछला अध्याय उठा के देखें, पिछले कार्यकलाप को देखिए, इन्होंने क्षेत्र में मौजा में कितने कितने विकास किए हैं लोगों। भूखे को भोजन देते हैं, कर भोजन की लाचारी है, अगर कोई व्यक्ति भूखा आ जाए तो उसे बिना भोजन के वापस नहीं जाने देते, और पैसा भी कल्लू देते हैं, कब पैसा भी भैया देते हैं, यदि तन में कछु बीमारी है। सीसी रोड सैत घर घर में और शौचालय बनवाए गुलशन, पहले मौजा की माताएं बहनें बेटियां खुले में शौच जाया करती थी, बहुत संकोच लगता था, लेकिन जब श्रीमती पुष्पा देवी प्रधान बनी यानी कल्लू भैया की धर्मपत्नी, आरसीसी रोड गली गली में हो गई और घर घर में शौचालय बन गए लोगों। देखिए कल्लू भैया ने तो विकास किया ही है सारे क्षेत्र में, लेकिन इनकी धर्म पत्नी भी पीछे नहीं रही गुलशन, इनकी धर्म पत्नी भी पीछे नहीं रही लोगों। आज सीसी रोड शायद घर घर में और शौचालय बनवाए, बड़े खारजा बहुत पुराने हाय वो भी साफ कराए। सरकार दे रही जो सुविधा वो जन जन तक पहुंचाई है, जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं आई, जो भी सुविधाएं आई वो कल्लू भैया ने जन जन तक पहुंचाई। और बता दूं, सरकार दे रही जो सुविधा वो जन जन तक पहुंचाई है, दीन गरीब को पुष्पा ने लो अपने गले लगाई है। याद रहे जिस समय शिवबीर उर्फ कल्लू भैया की धर्मपत्नी 2010 से और 2015 तक प्रधान पद पर रही हैं, तो उन्होंने एक लोगों कमाल का काम किया, वो क्या है सुनिए।
और लोहिया दाम अबूपुर को गोपालपुर को दौ तो बनाई है। याद रखना लोहिया ग्राम अबूपुर और गोपालपुर बना दिए। वाह भाई वाह। जगह जगह पुष्पा देवी ने जगह जगह पुष्पा देवी ने सुंदर विकास करवाई है। इसलिए सभी मतदाताओं से माताओं से अच्छा देखिए अपने कार्यकाल में बेटा गुलशन श्रीमती पुष्पा देवी ने मौजा अगूपुर गोपालपुर की कायाकल्प कर दी। कायाकल्प क्यों? जगह जगह पुष्पा देवी ने कई सोलर लाइट लगवाई है। ध्यान किधर है? कल्लू भैया तो इधर है। ऐसो ऐसो मौका न मिले बारंबार ऐसो मौका न मिले बारंबार ऐसो मतदाताओं। कितने कितने भारी विकास किए हैं पांच वर्ष जिस समय शिवीर सिंह उर्फ कल्लू आपके जाने माने प्रधान रहे तो उन्होंने मौजा में कितने कितने विकास किए। और आज भी गुलशन इनका वादा है कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिल गया ये पुनः फिर से चुनाव क्षेत्र के मैदान में खड़े हैं। अगर ये पुनः फिर से प्रधान हो गए तो याद रखना मेरे प्यारे भक्तों ये जो है खेल के मैदान जो कि हमारे नौजवान बच्चे खेलने के लिए जगह नहीं है तो खेल के मैदान सुंदर सुंदर मैदानों का नवीकरण कराएंगे। और ध्यान रखना मैदान सुंदर खेल के लिए बनवाएंगे और ये उनका सौंदर्यीकरण कराएंगे। बारात घर आज आप देख रहे हो किसी की बारात आती है तो बारात घर नहीं है, आगे चल के ये बारात घर बनवाएंगे। और बता दूं आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी केंद्र होगा। याद रखना भाइयों आपके अगूपुर गोपालपुर की तो कायाकल्प हो जाएगी। ये मतदाता ध्यान दो जय दी जो तन कसहारोरी मेरो कल्लू भैया आरो जय दी जो तन रखना भैया बहना सुनो हमारी भैया इनकी मदद करो तुम भारी इनकी मदद करो तुम भारी जय जुड़ मिल दियो सहारो जय दी
इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा माहौल बन चुका। लोगों इनकी जीत होएगी भाई, इनकी जीत होएगी भाई, इनकी मदद करो तुम भाई, इनकी ए क्षेत्र की माताओं बहनों बेटियों बुजुर्गों बच्चों, माने ऐसा न तुम्हारो री मेरो कल्लू भैया आलो, माने ऐसा न और ये शिवीर उर्फ कल्लू भैया कोई आपके लिए नए नहीं है, कोई नए नहीं लोगों, जाने माने कल्लू भैया, जाने पार करो मिलके सब नैया, पार करो। अरे इनसे प्रेम हमारो री मेरो कल्लू भैया आलो, अरे इन्होंने मौजा की कायाकल्प कर दी थी, काम किया है काम करेंगे, काम किया है काम करेंगे, काय पड़े हो चक्कर में कल्लू भैया, 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 कल्लू भैया। ध्यान रखना भाइयों, पुनः पुनः आपसे फिर निवेदन है, आपके हाथ जोड़ करके पैर छू करके कल्लू भैया का, कि आप लोग एक बार सिर्फ एक बार इस बार मौका दीजिए, और जो भी वादे किए हैं उसमें कोई असत्य नहीं है भाइयों, कोई भी बात असत्य नहीं है, सिर्फ इस बार केवल इस बार अपने चरणों का दास बना लीजिए। लोगों अरे कल्लू कहे कर जोड़ भैया सुनियो विनय हमारी, सबई साथ रहे कल्लू के केवल एक विजय आधार, और मौजा अगूपुर की गति पे नाहर प्रबल भरी तकरार,
होशियार हो जाइयो होशियार और भूल न जाइयो तुम कलू को नैया खेत लगाइयो पार और सबई गांव के नर और नारी नैया खेत लगाए दे पार और हाथ जोड़ के बिनय हमारी कलू पैया पड़े रखना भाइयों। सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है आप लोगों से अपने जाने माने कल्लू भैया को भूल नहीं जाएं। अरे काम गुबरिया के नर नारी कल्लू भैया बड़े तुम्हारी एक ग्राम गुबरिया के नर नारी कल्लू भैया बड़े तुम्हारी और अगू पूरा नगला जोधा के नैया खेच लगाइयो पार अगू पूरा नगला जोधा के नैया खेच लगाइयो पार और नगला छदामी गोपालपुर के मिल बोटन की करो भरमार ए नगला छदामी गोपालपुर के मिल बोटन की करो भरमार नगला गली और भोजपुरा के अब की ध्यान बिसर न जाए नगला गली और भोजपुरा के अब की ध्यान बिसर न जाए और नगला सभी के नर और नारी मिल कल्लू को दियो जताए अब तो राख सके तो राख जब मेरी जाए रही सामरिया अब तो साथ सके तो साथ क्षेत्र के मतदाताओं पुनः बार बार यही कहना है आप लोगों से कि आप लोग कल्लू भैया को अपना अमूल्य अमूल्य न कहके बहुमूल्य वोट दें और भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाएं। याद रखना आप लोगों का बहुत बड़ा आशीर्वाद कल्लू भैया के ऊपर रहा 2000 से और आज तक आप लोगों ने पूर्ण सहयोग दिया इनका। और एक बात और बता दूं अभी तारीख 14 अगस्त 2018 को इनका भयानक एक्सीडेंट हुआ है आज आप देख रहे हो ये आपके सामने आ रहे हैं लेकिन पूर्णतया से स्वस्थ नहीं है चलने में थोड़ी परेशानी है और फिर भी जनता के कष्ट को मिटाने के लिए जन जन को सुखी करने के लिए ये चुनाव क्षेत्र के मैदान में खड़े हुए हैं। कोई नहीं कहता था कि कल्लू बचेंगे लेकिन ये आप लोगों का आशीर्वाद रहा। समस्त मौजा अगूपुर गोपालपुर वालों का समस्त मौजा अगूपुर गोपालपुर वालों का आशीर्वाद रहा। समस्त क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद रहा प्रभु का आशीर्वाद रहा जो आज आपके कल्लू सामने खड़े हैं। लेकिन लोगों उम्मीद कोई नहीं थी इसलिए अगर प्रभु ने बचाया आपके आशीर्वाद ने बचाया तो पुनः फिर से एक बार सेवा का मौका आया इसलिए हाथ जोड़ कर निकल निवेदन है आप लोगों से इस बार समय को गवा मत देना। और एक बात और बता दूं भाइयों ध्यान दें कि द्वेष भाव को छोड़ हमारे गुलशन जी ने बहुत सुंदर एक गीत लिखा है लेखनी तो पूरी की पूरी इन्होंने बनाई है इस कैसेट की लेकिन अंतिम वाला जो गीत लिखा है बहुत सुंदर लिखा है। अरे द्वेष भाव को छोड़ सभी हम मिलजुल करके आई और सूत्र एकता में बंद कर विजयी कल्लू को बनाई
एक नई लहर, एक नई उमंग हर दिल में समा गई है, एक नई लहर फिर दौड़ गई समाज में। और कल्लू भैया के अंदर भी बड़े बुलंद हौसले हैं लोगों, इसलिए पड़े न कहीं दरार बीच में सबको गले लगाए। याद रखना, हमारे और आपके अंदर जो अंदर कोई भी दरार है वो त्याग करके कल्लू भैया को गले लगा लीजिए लोगों। पड़े न कहीं दरार बीच में कल्लू को गले लगाए, और अंतर पट को खोल झांक के मन के मैल मिटाए। अरे मन के मैल मिटाइयो गुलशन, मन के मैल मिटाए, अंतर पट को खोल झांक के मन के मैल मिटाए। आपस में जो कलह बनी हम उस पर लेप चढ़ाई, और सूत्र एकता में बंध के विजयी कल्लू को बनाई। विजय प्राप्त हो तुम्हें सीट पर उपकारी बन जाए। कितना कितना परोपकार किया है आप लोगों के साथ में श्रीमती पुष्पा देवी ने और कल्लू भैया ने, कितना कितना परोपकार किया, क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, क्षेत्र के लिए, मौजा के लिए। विजय प्राप्त हो तुम्हें सीट पर उपकारी बन जाए, और कहीं क्षेत्र में मिले अंधेरा वहां पे दीप जलाए। समाज के लिए, जनता के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए पूरा का पूरा जीवन ने उछावर कर दिया इन्होंने। इसलिए ऐसे क्रमवीर न्यायप्रिय ईमानदार प्रत्याशी को ही अपना प्रधान बनाए। और लोगों, आज जीवन को न्यौछावर कर हम राज भक्त कहलाए, और सूत्र एकता में बंध के कल्लू को विजयी बनाए। अरे सूत्र एकता में बंध के कल्लू को विजयी बनाए। ध्यान रखना सभी मतदाताओं, क्षेत्र की माताएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान साथियों, कल्लू भैया की बारी है। अगर मौजा का विकास कराना है गुलशन, तो कल्लू भैया को जिताना है, क्योंकि ये कल्लू भैया जो कहते हैं वो करते हैं, और ये हम भी आपको बताते हैं। इसलिए हमारी तरफ से भी पुनः क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ करके, पैर छू करके निवेदन है कि आप लोग अपना अमूल्य वोट कल्लू भैया को ही दें, और भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाएं, एक नया इतिहास रच दें आप लोग। ध्यान रखना, अरे प्रधानी प्रचार को चुनाव गुलशन कैसे तुम्हें दरसाई, प्रधान प्रचार को चुनाव गुलशन कैसे तुम्हें दर्शाई, और चुनाव चिन्ह जो कल्लू को, हे मतदाताओं, हे चुनाव चिन्ह जो
चल्लू को बपतियो मोर लगाई। कल्लू के बेटा अंशु अजीत की अमर बनी रह जोड़ी। बहुत सुंदर पावन और पवित्र परिवार, ये समस्त जनता जनार्दन के हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छू रहे और आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, इसलिए इनकी वोटों से झोली भर दीजिए, भारी भरकम से विजयी हो गई। याद रखना, भारी भरकम से विजयी होंगे ये। कल्लू के बेटा अंशु अजीत की अमर बनी रह जोड़ी। और जो तारीफ करूं हम मुख से लग रही बिल्कुल थोड़ी। इनके दो बेटा अंशु बेटा और अजीत बेटा की बहुत सुंदर जोड़ी है लोगों, भाइयों में बहुत प्रेम है, याद रखना। कल्लू के भतीजे राहुल यादव जो शिवम यादव कहलाए, और इनके भतीजे वाह भाई वाह जो परछाई बन के रहते हैं परछाई। कल्लू के भतीजे राहुल यादव शिवम यादव कहलाए, और द्वारका दास के बेटा आज हर द्वार तुम्हारे आए। एक द्वार तुम्हारे आए भैया द्वार तुम्हारे आए, अरे द्वार तुम्हारे आए कहना द्वार तुम्हारे आए। द्वारका दास के बेटा आज हर द्वार तुम्हारे आए। काय पड़े हो चक्कर में, काय पड़े हो चक्कर में।